हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. वी आर डिस्कसिंग डिमांड एनालिसिस. इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस व्हाट इज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. हाउ कैन यू डिफाइन डिमांड? डिजायर प्लस एबिलिटी टू पे प्लस विलिंगनेस टू पे. देन वी ऑल्सो डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ डिमांड. डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स और डिमांड फॉर प्रोड्यूसर्स गुड. देन डिमांड फॉर पेरिसेबल गुड्स, डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स. थर्ड पॉइंट वी डिस्कस ऑटोनोमस डिमांड एंड डिराइव्ड डिमांड. ओके, इतना हम लोगों ने डिस्कस किया है. नाउ टाइप नंबर फोर, कंपनी डिमांड एंड इंडस्ट्री डिमांड. कंपनी डिमांड वेरी सिंपल. कंपनी डिमांड मीन्स डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर कंपनी. ओके, सपोज आई से दैट कोलगेट. ओके, कोलगेट इज अ ब्रांड, कोलगेट इज कंपनी. सो कोलगेट टूथपेस्ट, डिमांड फॉर कोलगेट टूथपेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी डिमांड. डिमांड फॉर मारुति कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपनी डिमांड. बट डिमांड फॉर ओल्ड कार्स, और वेन आई टॉक अबाउट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, सो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री डिमांड. वेन डिमांड फॉर ऑल द टूथपेस्ट टूगेदर, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्री डिमांड. वेरी सिंपल. हम लोग अगर कोई पर्टिकुलर कंपनी की और प्रोडक्ट की और ब्रांड की बात करें तो वो कंपनी डिमांड कर वो कंपनी डिमांड हो जाएगा. एंड वेन वी टॉक अबाउट होल इंडस्ट्री, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्री डिमांड. वेरी सिंपल, बट इट इज नॉट दैट ईजी. ओके, वी विल डिस्कस डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट इन द मार्केट स्ट्रक्चर. अभी हम लोग इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी आर हैविंग सेपरेट चैप्टर्स रिगार्डिंग फोर चैप्टर परफेक्ट कंपटीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वेरी लॉन्ग सिलेबस. वी विल जस्ट गिव आई विल जस्ट गिव यू ओवरव्यू. व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन इज द सिचुएशन वेल देर आर लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड दे आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ होमोजीनियस प्रोडक्ट्स. होमोजीनियस प्रोडक्ट इन गुजराती आपने शू कहीशू, समान गुणी वस्तु. ओके, दे आर एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच आर आइडेंटिकल बाय नेचर, एग्जैक्टली सेम फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कलर, पैकिंग, ब्रांड, टेस्ट, क्वालिटी, एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स. ओके, सो व्हाट हैपन, द फर्म कैन नॉट चार्ज स्लाइटली हायर प्राइस देन द मार्केट प्राइस. वो मार्केट प्राइस से एक भी रुपया ज्यादा प्राइस नहीं ले सकते. But he cannot charge higher price. So he cannot decide price because there are large numbers of sellers. So its seller share in the market is very, very low. But he can take price. So in perfect competition, firm is price taker, but not price maker. Because very large numbers of firm, suppose there are 10,000 firms in the industry, और एक 10,000 firm होगा, उसमें से एक particular firm का share कितना होगा? 0.00 something. So by his influence, by his own action, he cannot influence market price, but he can charge market, take market price. So in perfect competition, firm is price taker, but not price maker. Second, monopoly. Monopoly derived from two Greek words, mono and polis. Mono मतलब single and polis means seller. So monopoly refers to a market situation where there is a single seller, complete control over the price of the product. Exactly opposite of a perfect competition. So in monopoly, firm is a price maker. He can decide price, but is not price taker. There are also reasons हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. बट अभी के लिए आप इतना याद रखो, इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म इज प्राइस मेकर बट नॉट प्राइस टेकर, सॉरी प्राइस टेकर बट नॉट प्राइस मेकर. इन मोनोपोली फर्म इज प्राइस मेकर बट नॉट प्राइस टेकर. देयर इज सिंगल फर्म. We can take some example which are near to monopoly. For example, Indian Railway, Indian Postal Department, which are the examples of monopoly. Single seller. So, as there is a single seller in the market,
देर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. ओके, कोई कंपनी होगी, कोई इंडस्ट्री होगी, अलग अलग नहीं है. इंडियन रेलवे इज इटसेल्फ अ फर्म और इटसेल्फ एन इंडस्ट्री. हाँ, देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. फर्म इज अ प्राइस मेकर, इट हैज कंप्लीट कंट्रोल. नेक्स्ट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मिक्सचर ऑफ कंपटीशन एंड मोनोपोली. हियर ऑल्सो प्रोडक्ट्स आर, देर आर लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर इन द मार्केट एंड फर्म आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट. लिसन अटेंटिवली. इन परफेक्ट कंपटीशन द प्रोडक्ट्स आर एग्जैक्टली सेम. हियर प्रोडक्ट्स आर नॉट एग्जैक्टली सेम, दे आर सिमिलर बाय नेचर. कोलगेट टूथपेस्ट एंड क्लोजअप टूथपेस्ट सिमिलर बट नॉट सेम. लक्स सोप एंड लिरिल सोप सिमिलर बट नॉट सेम. डिफरेंस इन टेस्ट, डिफरेंस इन क्वालिटी, डिफरेंस इन ब्रांड नेम, डिफरेंस इन पैकेजिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशन. ओके, लास्ट पॉइंट, ओलिगोपॉली. ओलिगोपॉली इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, ओलिगस एंड पॉलिस. ओलिगस मतलब फ्यू and police means seller. There are few firms in the market with large size. We can take some example like cement industry, steel industry, mobile service provider, software industry. These are the examples of oligopoly market. क्योंकि कम seller है और हर एक firm का significant size है. Suppose there are only 5 sellers or 5 firms in the market और हर फर्म का 20% शेयर है. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपॉली. ओके, सो दिस इज 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपॉली. इन द लेटेस्ट स्टेज वी विल डिस्कस एज पर योर सिलेबस हाउ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट. बस आज के लिए इतना है कि आप सिर्फ उसका नाम आपको याद रहेंगे रखना है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपॉली. नेक्स्ट, डिमांड बाय टोटल मार्केट एंड डिमांड बाय मार्केट सेगमेंट्स. डिमांड बाय टोटल मार्केट मींस टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड डिमांड बाय मार्केट सेगमेंट्स मतलब इन डिफरेंट सेगमेंट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. The firm is or company is not only interested to know what is the total demand for the product, but it is also interested to know in different market segments, different region of the country, different uses of the product, different distributive channels of the product, etc. etc. Why? Because wo problems alag hoge aur solution bhi alag hoge. We are taking example, Pepsi International, Coca-Cola International, these are multinational companies. So these companies are selling their products in many countries of the world. Okay, वो इंडिया में भी सेल कर रही है और US में भी सेल कर रही है. अगर US में Pepsi की डिमांड कम होती होगी और शायद Coca-Cola की डिमांड कम होगी तो उसके reasons अलग होंगे और उसके solution अलग होंगे. इंडिया में अगर पेप्सी की डिमांड को कोई इन्फ्लुएंस करता है, उसकी डिमांड कम हुई है तो उसकी रीजंस अलग होंगे और उसका सॉल्यूशन भी अलग हो सकता है. ओके, देयरफॉर द कंपनी इज नॉट ओनली इंटरेस्टेड टू नो व्हाट इज द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट. हाँ, अगर कोई एक्स कंपनी है वो इंडिया के अलग अलग रीजन में प्रोडक्ट उसकी सेल कर रही है, बिकॉज इंडिया इज द कंट्री विच इज नोन वेर यूनिटी इन डाइवर्सिटी. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ તો વિવિધતામાં એકતા. દરેક રિજિયનની અલગ ખાસિયત છે, દરેક રિજિયનના તહેવાર અલગ છે, દરેક એજન્ટની રીતભાત અલગ છે, એટલે એની જે ડિમાન્ડ છે પ્રોડક્ટની એ પણ અલગ અલગ હોઈ શકે. ગેટિંગ માય પોઈન્ટ? સો ધ કંપની ઇઝ નોટ ઓનલી ઇન્ટરેસ્ટેડ ટુ નો વોટ ઇઝ ધ ટોટલ ડિમાન્ડ ફોર ધ પ્રોડક્ટ, બટ ડિમાન્ડ ઇન ડિફરન્ટ સેગમેન્ટ્સ, ડિફરન્ટ રિજિયન મેં કેસા કર સકતે હૈ, ઉસકો કૈસે डिमांड को इंक्रीज किया जाए, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. व्हाई? बिकॉज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन द फर्म कैन मेक प्रॉपर डिसीजन. लास्ट, शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड. शॉर्ट रन डिमांड मींस डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय करंट फैक्टर लाइक प्राइस, इनकम,
taste preference, habit of the consumer, etc., etc. And long run demand means apart from these factors, the demand for the product can be influenced by the factors like changes in technology, operating costs, maintenance costs, availability of substitute, etc., etc. We have already discussed this point in perishable goods and durable goods. Demand for perishable goods is an example of short term demand. क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या होगी, शॉर्ट टर्म. वेजिटेबल्स, एग्स, फिश, पेरिसेबल कमोडिटी, फूड ग्रेन्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट टर्म डिमांड विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय करंट फैक्टर्स लाइक प्राइस और इनकम ऑफ द कंज्यूमर. लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल, बाइक, टीवी, फ्रिज, कार, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग रन डिमांड. अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, चेंज इन टेक्नोलॉजी, दीज आर द फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर दिस फैक्टर्स. ओके, so I am repeating, company demand and industry demand. When we talk about particular company brand, it is called company demand. For example, Colgate toothpaste, for example Maruti car, etc. And when we discuss about whole industry, it is called industry demand. Demand by total market, total demand for the product, and demand in market segment. Short run demand, demand for perishable goods. Long run demand, demand for durable goods. Thank you very much.